नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा कस्बे के कमलानगर के सरस्वती बाल मंदिर के प्रधानाचार्य में द्वारा अभिभावकों को बुलाकर जिसमें एक से लेकर हाई स्कूल तक बच्चों के अभिभावकों को जो लगभग 250 से 300 के बीच चार हालों में चल रही मीटिंग जिसमें केवल फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, इस बात की जानकारी अधिकारियों को हुई तो फोन खागा कोतवाली आया। यह बात की पुष्टि के लिए कोतवाली पुलिस सरस्वती बाल मंदिर में छापा मारा, जहां सही देखा गया और मीडिया को भी जानकारी होती है तो वहां रायफ्यूज के जिला संवाददाता सुमित के सरवानी पहुंचे तो पुलिस प्रशासन के होते हुए प्रधानाचार्य राज कपूर द्वारा सुमित के सरवानी से परमिशन लेने की बात कही और वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पुलिस प्रशासन मौन रही और कमरे के बाहर से ही पुलिस प्रशासन को भी वापस लाकर सरकारी गाड़ी तक छोड़ा और कोतवाली की रास्ता दिखाया। अब सवाल इस बात का है कि इस कोरोना महामारी में लगातार चार महीने के लॉकडाउन में चकनाचूर अभिभावकों के पास कहां से आए 10,000 रुपए। इस बात को लेकर एक अभिभावक ने अपनी बात रखी कि सरकारी विद्यालयों में भी रियायत मिली है तो प्रधानाचार्य राज कपूर अभिभावक को भला बुरा कहने लगा और अगर 30 अभिभावक थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी और मास्क सैनिटाइजर कर रहे थे तो मीडिया को रोका क्यों? और काबिल प्रधानाचार्य राज कपूर तो खबर निकालने के बाद फर्जी पत्रकार रुपए मांगने की बात अपने स्कूल में लेकर फर्जी चैनल भी बना डाला और झूठ निकलने पर एक साल की फीस विद्यालय छोड़ने और बंद करने और प्रधानाचार्य पद से इस्तीफा देने की बात कही। लेकिन अब विद्यालय के अभिभावकों का केवल प्रधानाचार्य राज कपूर की दूसरी खबर का इंतजार है कि क्या कह रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्रधानाचार्य राज कपूर ने संजय पटेल को, अजय मौर्य और सुमित के सरवानी को मारने की धमकी भी दे डाली है और कुछ दलाल श्रेणी के पत्रकारों के द्वारा कमी वीडियो वायरल किया जो बिल्कुल निराधार साबित हुए। आइए सुने नगर वालों की जुबानी। एमपी न्यूज़कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। तो आप कहां पर रहते हैं? कमलानगर खागा। कमलानगर तो आप सरस्वती बाल मंदिर को जानते हैं? बाल मंदिर के ठीक सामने। ये विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं इनका कैसा क्या रवैया है इस विषय में जानना चाहते हैं। प्रधानाचार्य जी जो हैं वो मदांध हो चुके हैं जी। वो किसी को किसी भी प्रकार की सहूलियत देना पसंद नहीं करते जी, खास करके अभिभावकों जी। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमको फीस चाहिए जी, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो नहीं हम नाम काटेंगे प्लस बच्चे को प्रताड़ित करेंगे जी। हर अभिभावक को ये मैसेज करते हैं कि आप फीस जमा करिए, इनके यहाँ जो पढ़ाई का स्तर है वो निम्न हो चुका है जी, बच्चे इनके यहाँ की कोई सही स्थिति में नहीं है जी। बच्चों को छोड़िए, जो प्रधानाचार्य ही सही स्थिति में नहीं है तो बच्चों की क्या स्थिति है? जैसे कि अभी जो है अभिभावकों की इन्होंने गोष्ठी किया था, मीटिंग ली थी, उस मीटिंग के दौरान जो है खबर निकली है उस पर जो है पत्रकारों को जो है ये गुंडा मवाली बता रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए आज की तारीख में चोर व्यक्ति क्यों हो चोर नजर आता है पूरा समाज जी जी। आज की तारीख में खुद गुंडाई कर रहे हैं जी। उनको ये नहीं है कि अभिभावक जो है वो किस स्तर में है इस समय जी। वो अभिभावक को भी प्रताड़ित करते हैं जी। प्लस जहाँ पे ये घर है जी, वो मोहल्ले में किसी से भी मिल करके या किसी के किसी प्रकार के कार्य में उनका कोई सहयोग नहीं जी। वो केवल अपना देख रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि ये समाज के लिए हितकर जी। एक चीज भाई साहब और आप लास्ट बता दीजिए कि संजय पटेल पत्रकार को आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरीके, कभी कहीं किसी तरह की उगाही करते हुए इन पर जो है आपने देखा है, इन पर इल्जाम देखा है? आज तक ऐसा कभी नहीं जी, हमारे संज्ञान जी। और शायद संजय भाई से हमारी दिन में एक से दो बार मुलाकात होती जी जी। और उनका सामाजिक स्तर और प्रधानाचार्य के सामाजिक स्तर में जमीन और आसमान का अंतर है। ये आप हमारी नहीं, खागा
तहसील के अंदर किसी से भी तुलना करवा ली। तो आप संजय पटेल को अच्छी तरह से जानते हैं? बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू। सरस्वती बाल मंदिर को जो है आप जानते हैं, यहाँ खागा में है? हाँ, बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर पहले। अच्छा अच्छा, ये बताइए कैसा विद्यालय है? जैसा कि वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि संजय पटेल जो है पत्रकार एक वसूली का एक रैकेट बनाए हुए हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? ये तो निराधार है। संजय जी की आज पत्रकारिता 20 साल हो गए जी, अभी तक बिल्कुल कोई भी पक्षपात पूर्ण कोई दवाई नहीं आया जी, जी। हमेशा निष्पक्ष समाचार हम लोग प्राप्त होते हैं जी, जी। कभी आज तक न कोई उसमें कोई मतभेद आया। आज 20 साल से लगातार वो कंटिन्यू एक्टिवेट रहते हैं अपने क्षेत्र में जी, जी। आज तक कोई ऐसी बात आज तक आई नहीं मेरे समझ में जी, जी। जो भी इनके पास इल्जाम लगाए जा रहे हैं गलत है हमारे समझ में जी, बाकी सब ठीक ठाक है बाका जी। और ये बताइए ये जो लोग जो है हमारे विषय में कह रहे हैं कि फला जगह से पैसा वसूला, ये कहे क्या आपने कभी ऐसा कुछ हमारे विषय में जाना है? नहीं, हमने आज तक कभी सुना नहीं आपके बारे में, आज तक सुना ही नहीं आपके बारे में कभी भी। और सरस्वती बाल मंदिर के ये जो प्रधानाचार्य हैं इनका चरित्र कैसा है? अब इनके द्वारा जो दो चार बार इनके बाद जो स्कूल में राय दंगा भी हुआ जी जी जी, आपस में लड़ गया चपरासी प्रिंसिपल साहब से जी जी, लेकिन कोई खास बात नहीं है, लेकिन यह है कि आपसी समय समय बना लीजिए अच्छा रहेगा जी जी, मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पत्रकारिता में कोई संदेह मुझको नहीं है जी। आज पत्रकारिता निष्पक्ष है जी, अब विवेकपूर्ण रहती है, 20 साल से मैं आपके न्यूज पढ़ता रहता हूँ जी जी, मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें जी। आपका शुभ परिचय? मनोज कुमार गुप्ता।